मैंने अभी अपने फेस पे चारकोल फेस मास्क लगाया है, थोड़ी देर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं रोज़ आप लोगों से ऐसे ही वेलकम करती हूँ कि आप सब लोग कैसे हैं, तो मैं आपसे फॉर्मेलिटी नहीं करती, मैं आपसे सच में दिल से पूछती हूँ कि आप सब कैसे हैं। मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताया करिए। सब लोग ठीक हैं, घर पर हैं, सेफ़ हैं, बस और क्या चाहिए, वही मेन है। और आज का इंट्रो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो आपने टाइटल थंबनेल देखा है वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो व्लॉग को पूरा इन्जॉय कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ मैं बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में कल मैंने जो शाही टोस्ट बनाए थे उसके थोड़ा सा जो चाशनी था वो बच गया था, तो मैंने सोचा चलो फिर से आज थोड़ा सा एक एक ब्रेड का बना लेते हैं। मतलब तीन ब्रेड का 6 शाही टोस्ट अच्छे से बन जाएंगे और हम तीनों लोग अच्छे से खा लेंगे। तो वही यहाँ पर मैं स्वीट डिश में शाही टोस्ट बना रही हूँ। और एक चाय के साथ खाने के लिए मैंने क्या किया है, ब्रेड में मलाई लगाई है, ऊपर से थोड़ा सा मैंने शुगर जो होती है वो स्प्रिंगल कर दिया है और उसको ही एज अ सैंडविच मैंने बना के आज चाय से खा लिया है। मतलब और कुछ मैंने ब्रेकफास्ट में नहीं बनाया है, तो अभी आपको आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा। और कल वाला व्लॉग आपने देखा कि नहीं देखा मुझे कॉमेंट करके ये भी बताइएगा। नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट करिएगा, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो। ये देखिए मैंने यहाँ पर अपनी ब्रेड सैंडविच, जो मलाई सैंडविच जो मैं आपको बोल रही थी, बस उसको भी मैंने सेक लिया है देसी घी में। सैंडविच नहीं कहेंगे इसको, आप मलाई ब्रेड ही बोल सकते हैं, बट आज मेरा मन हो रहा था तो मैंने इस तरह से खा लिया है, मतलब बना लिया है। और इधर मैं बना रही हूँ अपनी चाय। तो चाय मेरी अदरक वाली है और सिर्फ मेरे लिए ही है, एक कप, तो वही मैं अपने लिए बनाई हूँ। पीहू के डैडी नहीं खाएंगे, उन्होंने मसाला ओट्स खाया है, तो उनके लिए मैंने एक बाउल मसाला ओट्स बना दिया था। और पीहू मेरे साथ ही ब्रेकफास्ट कर रही है, तो बस हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। रामायण आ रहा है, हम लोग रामायण इन्जॉय करेंगे और साथ में अपना ब्रेकफास्ट। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। मैंने अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है, रामायण ख़त्म हो गया है और मैं देखी कि दूध ख़त्म हो गया था, तो मैंने फ्रीज़र से ये देखिए 2 पैकेट दूध निकाले हैं। और अब की बार हम लोग को पतंजलि वाला दूध नहीं मिला, तो मैंने यहाँ पे अमूल का दूध पीहू के डैडी लेकर के आए थे, तो ये वाला अमूल का दूध एकदम देखिए आइस हो गया है, बर्फ़ जम गई है। अब मैं इसको थोड़ी देर पानी के नीचे रख दूँगी जिससे ये सॉफ़्ट हो जाएगा, मतलब गल जाएगा। और जब ये गल जाएगा उसके बाद ही मैं इसको भगोने में निकालूँगी उबालने के लिए। चलिए तब तक अपने फेस पे थोड़ा सा पैम्पर कर लेते हैं, अपने फेस पे फेस पैक लगाते हैं अपने आप को, तो पैम्परिंग करते हैं। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ चारकोल का फेस मास्क। और इधर बहुत दिन हो गए थे मैंने कुछ भी अपने फेस पे नहीं किया था, नहीं लगाया था, तो सोचा चलो आज करते हैं, गर्मी भी बहुत हो रही है तो ये अच्छा है, आपका सारा जो मॉइस्चर है, आपका पसीरा है, ये अब्ज़ॉर्ब कर लेगा, इसीलिए ये काफ़ी अच्छा फेस पैक है। तो आप लोग चाहे तो ले सकते हैं। तो मैंने ये लास्ट ईयर लिया था और ये अभी तक मेरा चल रहा है फेस पैक, तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, यूज़ करती हूँ मैं इसको, वीक में 2 बार तो यूज़ कर ही लेती हूँ। अभी अपने फेस पे चारकोल फेस मास्क लगाया है, थोड़ी देर इसको मैं लगा करके अच्छे से सूखने दूंगी और फिर वॉश कर लूँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ह्यूमिडिटी सी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं अपने फेस को, इसीलिए मैंने ये लगाया है। तो मैंने यहाँ फेस वॉश कर लिया है और मैंने आइस लिया है, आइस से मैं थोड़ी सी आइसिंग कर लूँगी अपने फेस पे, जिससे कि जो भी पोर्स ओपन हुए हैं वो क्लोज़ हो जाएंगे। तो आप लोग भी जब भी अपना फेस पे फेस पैक लगाएं, तो अगर आप टोनर नहीं यूज़ कर रहे हैं या गुलाब जल नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो आप आइसिंग कर सकते हैं गर्मियों में। चलिए मैं फेस को वो पोंछ लेती हूँ और फिर कुछ लगा करके उसके बाद फिर मैं आपसे डायरेक्ट छत पर चल के मिलती हूँ।
तो मैं छत पे जाने से पहले अपने रूम को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ और फिर उसके बाद ही मैं छत पे जाती हूँ। तो अभी मैं छत पे जा रही हूँ और आप देख सकते हैं मेरा फेस आपको एकदम क्लीन लग रहा होगा और एकदम अभी सामने से डे लाइट आ रही है। और ये देखिए नीचे से पीहू भी आ रही है, वो अपनी बॉटल अपने साथ लेके जाती है कि उसको ऊपर पानी प्यास लगेगी, तो फिर वो पानी की बॉटल अपनी लेके आती है और हम तीनों लोग अब ऊपर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी आ गए हैं छत पे और छत पे ही वॉक कर रहे हैं और पीहू भी इधर वॉक कर रही है, खेल रही है, क्योंकि उसको बस छत पे आने का इंतज़ार रहता है। अभी बच्चे और तो कहीं जा नहीं सकते इसलिए। और मैं आज आपको छत्ता दिखाती हूँ कि अभी ये बड़ा नहीं है, उतना ही बड़ा है। दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरे से, देखिए अभी ये उतना ही बड़ा है जितना बड़ा उस दिन मैंने आपको लास्ट डे दिखाया था लास्ट टाइम। बट डर बहुत लगता है कहीं अचानक से कोई कौआ या कबूतर ना आ जाए और ये टूट जाए। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी हवा लग रही है और सनसेट हो रहा है। मैं और पीहू यहाँ से खड़े होकर सनसेट देख रहे हैं और पीहू के डैडी पीछे से हमारा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हवा भी बहुत अच्छी लग रही है और सामने सीन भी बहुत अच्छा है। तो बस हम लोगों का टाइम हो चुका है 7:05 हो रहा है, मतलब 7:05 और अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं। तो मैं पहले उतर के नीचे आ जाऊँगी और मुझे दूध रखना है उबालने के लिए। तो चलिए अच्छे से हैंड वॉश करते हैं, लेग वॉश करते हैं और फिर उसके बाद अपना दूध रख देते हैं उबलने के लिए। तो यहाँ पे मैं जो दूध का पैकेट बाहर निकाल के गई थी अब वो एकदम नॉर्मल हो गया है, मतलब उसकी आइस जो है वो ख़त्म हो गई है। तो मैं यहाँ पे इसको अच्छे से निकाल दूँगी और अब मैं नहाऊँगी क्योंकि ऊपर से आने के बाद मुझे बहुत गर्मी लगती है। तो मैं अब यहाँ पे चेंज करूँगी और नहा करके उसके बाद फिर मैं आपसे आराम से बैठ करके बातें करती हूँ। तो चलिए थोड़ा सा ये काम फिनिश कर लेती हूँ, नहा के फिर आपसे मिलती हूँ। एवरीवन वेलकम बैक। और अभी आपने देखा मैं किचन में दूध चढ़ा करके आई हूँ, थोड़ा सा वही दूध बहुत हार्ड था तो अभी वो पिघल रहा है, मैंने उसको चढ़ा दिया है। तो 2 पैकेट मतलब 1 kg मैंने दूध बॉईल करने के लिए रखा है। और आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं ठीक हूँ, घर पर ही हूँ। और मुझे 1-2 कॉमेंट आ रहे थे कि आप घर पर डेली लिपस्टिक लगाती हैं क्या और मतलब तैयार होती हैं क्या। तो डेली लिपस्टिक मैं घर पर लगाती हूँ, मुझे लिपस्टिक का बहुत शौक है। अभी भी मैंने न्यूड शेड लगा रखा है। तो लिपस्टिक मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट है, मैं कुछ भी मेकअप करूँ ना करूँ मुझे लिपस्टिक लगाना अच्छा लगता है। जब व्लॉगिंग करती हूँ तो स्पेशली लिपस्टिक लगा लेती हूँ क्योंकि थोड़ा प्रेजेंटेबल रहूँगी तो आप लोग को भी देखने में अच्छा लगेगा और आप थोड़ा इंकरेज भी होंगे, इसलिए मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ। और मुझे बहुत पसंद है लिपस्टिक लगाना, मेरे मतलब अगर मेकअप में देखो फेवरेट मेरा लिपस्टिक ही है, ठीक है। और आप लोग बोल रहे थे कि आप अपनी ड्रेस किसी दिन मुझे दिखाइएगा आपको बुरा ना लगे, तो मुझे ऐसा कुछ बुरा नहीं लगा और बल्कि मुझे अच्छा लगा कि आप लोग मेरा ड्रेस का कपड़ों का कलेक्शन देखना चाहते हैं। तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो लेकिन एक बात मैं बता दूँ, मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी ड्रेसेस नहीं हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला है मेरे बहुत सारे कपड़े इधर उधर हैं, पर मैं कोशिश करूँगी मेरे पास जितने भी टॉप जीन्स और इंडियन वेस्टर्न वेयर जो भी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जल्दी ही वो वीडियो मैं आप लोग के साथ कोशिश करूँगी शेयर करने के लिए। और आप लोग क्या क्या देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अब बात करते हैं अपने टाइटल के बारे में, थंबनेल के बारे में। तो मैंने आज आपको जो थंबनेल लगाया है तो मैं आपको बता दूँ, ये मेरी फ्रेंड है, मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, बोलो तो 8
7-8 साल पुरानी फ्रेंड है, हम लोग कोलकाता में मिले थे, तो जिसके बारे में पहले बता चुकी हूँ थोड़ा बहुत अपने व्लॉग में। तो आज उसी का डांस मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, घूमर डांस। तो कैसा लगेगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मुझे बहुत अच्छा लगा उसका डांस, तो मुझे लगा कि शायद आप लोग को भी ये डांस अच्छा लगे, इसलिए मैं आपके साथ उसकी थोड़ी सी क्लिप शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगता है आप मेरा भी डांस देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके ये भी बताइएगा, मैं आप लोग के लिए अपने डांस की भी वीडियो लेकर के आऊँगी। तो चलिए अब आप देख लीजिए इस वीडियो को और फिर उसके बाद। देखा फ्रेंड्स आपने कैसा लगा ये डांस परफॉर्मेंस, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और पूरा नहीं मैं शेयर कर पाई, क्योंकि अगर मैं पूरा शेयर करती तो मुझे कॉपीराइट आ सकता था, इसीलिए मैंने कट कट करके किया है। बट बहुत अच्छा डांस लगा मुझे, थैंक यू किरण तुमने मुझे ये क्लिप भेजी, थैंक यू सो मच अगर ये देख रही हो तो थैंक यू। और चलो फिर इसी के साथ अब मैं ये व्लॉग यहीं फिनिश कर देती हूँ और मिलती हूँ आपको कल एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Bye-bye.